एवरी वन इन दिस लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस समर्ड प्रॉब्लम बेस्ड ऑन क्वाडेटिको लेट्स कम टू दर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन इज अ पिकॉक इज सिटिंग ऑन अ टॉप ऑफ अ पिलर विच इज नाइन मीटर हाई तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले नाइन मीटर हाइट की क्या फॉर्म करते हैं एक हमने नाइन मीटर हाइट की एक पिलर बना ली लेट अज सपोज दैट की देयर इज अ पिलर जिसकी हाइट बेटा क्या है इसकी हाइट है नाइन मीटर ठीक है फिर कहते हैं फिर ये नेक्स्ट कहते हैं फ्रॉम ट्वेंटी सेवन मीटर अवे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पिलर पिलर के बॉटम से ट्वेंटी सेवन मीटर के डिस्टेंस पे ट्वेंटी सेवन मीटर की डिस्टेंस ये हो गई बेटा ठीक है बट अ स्नैक इज कमिंग टू इट्स होल एट बेस ऑफ अ पिलर ठीक है कहते हैं कि यहाँ से uh, यहाँ से ट्वेंटी मीटर मीटर के डिस्टेंस पे मतलब बेस पिलर uh, के जो है पिलर के जो है बॉटम से 27 मीटर की डिस्टेंस पे यहाँ पर कहते हैं कि स्नैक जो है यहाँ से जाता है अपने होल के लिए यहाँ पर सपोज कर लीजिए कि ये क्या है ये जो है स्नेक का होल है ठीक है और ये आपका क्या है यहाँ पर स्नैक रहेगा इसको हमने सपोज करिए एस कह दिया फिर कहते हैं अ स्नेक इज कमिंग टू इट्स होल एट द बेस ऑफ द पिलर सींग द स्नेक द पिकॉक पाउंस ऑन इट कहते हैं कि पिकॉक यहाँ पर क्या यहाँ पर पिकॉक रहता है ऑन द टॉप ऑफ द पिलर ये पिकॉक यहाँ पर है यहाँ पर स्नेक है यहाँ पर स्नेक का होल है कहते हैं कि स्नेक को देखने के बाद जो है पिकॉक उस पर क्या करता है पाउंस करता है पाउंस मतलब झपट्टा मारने की कोशिश करता है तो बेसिकली ये कहा जा रहा है इफ़ दे स्पीड्स आर इक्वल मतलब स्नैक की स्पीड और पिकॉक की स्पीड अगर इक्वल होगी तो कहते हैं एट वॉट डिस्टेंस फ्राम द होल एट वॉट डिस्टेंस फ्राम द ये होल होगा यहाँ एट वॉट डिस्टेंस फ्रॉम द होल मतलब होल से जो है कितने मीटर की डिस्टेंस पे कहते हैं होल से कितने मीटर के डिस्टेंस पे कहते हैं कि स्नेक जो है पकड़ा गया बाय पिकॉक ठीक है तो ये आपका क्वेश्चन है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सपोज कर लिया कि पिकॉक ने स्नेक को यहाँ पर देखा इस पॉइंट पे हमने इसको क्या कर दिया ज्वाइन कर दिया ठीक हमने इसको क्या कर दिया बेटा ज्वाइन कर दिया फिर इसके बाद हमने सपोज कर लिया कि आफ्टर टी सेकेंड टी सेकेंड के बाद जो है पिकॉक ने क्या किया स्नेक को इस पॉइंट पर सपोज कर लीजिए इस पॉइंट पे पॉइंट टी पर इसको क्या किया कॉट किया मतलब पकड़ा इस पॉइंट पर पिकॉक ने स्नेक को सपोज करी स्नेक जो है इस पॉइंट से अपने होल की तरफ जा रहा है और पिकॉक ने इस पॉइंट पर इसको क्या कर लिया पाउंस कर लिया मतलब इस पॉइंट पर इस पर झपट्टा मार लिया पकड़ लिया ठीक ये तो आपका हो गया डाइग्राम ये पूरा आपका नाइन मीटर था ये पूरा आपका ट्वेंटी था अब हमको कुछ चीजें यहाँ पर समझनी है देखिए क्या क्या चीजें हैं हमने सपोज कर लिया कि लेट बेसिकली हमने सपोज कर लिया कि लेट द स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ स्नेक इज इक्वस टू स्पीड ऑफ स्पीड ऑफ पिकॉक दोनों की स्पीड क्वेश्चन में गिवन है ठीक है और हमने सपोज कर लिया क्या है वी मीटर पर सेकेंड इतनी बात समझ में आ गई मेरी बात ध्यान से सुनिए जितने टाइम में स्नेक जो है जितने टाइम में क्योंकि दोनों की स्पीड सेम है जितने टाइम में जो है स्नेक जो है पॉइंट एस से पॉइंट टी तक पहुँचेगा उतने ही टाइम में पिकॉक जो है पॉइंट पी से पॉइंट टी तक पहुँचेगा बिकॉज दोनों की स्पीड सेम है इस तरीके से अगर आप देखिए बेसिकली तो क्या हो जाएगा यहाँ से लिखेंगे कि बेसिकली हम यहाँ से बेटा क्या लिखेंगे तो यहाँ से हमने सपोज कर लिया कि लेट द पिकॉक पिकॉक टेक्स टी सेकेंड पिकॉक टेक्स टी सेकेंड टी सेकेंड पिकॉक जो है लेता है टू रीच एट पॉइंट टी एट पॉइंट टी टी पर पहुंचने के लिए पिकॉक टी सेकेंड लेता है मतलब टी सेकेंड के बाद पिकॉक क्या करेगा स्नेक को इस पॉइंट पे पकड़ लेगा ठीक है उसी तरीके से किसके इक्वल होगा कि आ, स्नेक टेक्स स्नेक स्ने सेकेंड स्नेक भी इतना ही टाइम लेगा और पिकॉक भी इतना ही टाइम लेगा फिर से क्वेश्चन को समझिए क्या कहा गया पिकॉक है ये पिकॉक यहाँ पर स्नेक को देख रहा है उसके बाद स्नेक जो है स्नेक और पिकॉक सेम स्पीड से क्या करेंगे स्नेक अपने होल की तरफ जाना चाहेगा और पिकॉक जो है स्नेक की तरफ आना चाहेगा और दोनों की स्पीड सेम है तो सेम टाइम पर, पर ये क्या पहुँचेंगे सेम टाइम पर स्नेक मतलब सेम टाइम के बाद स्नेक जो है पॉइंट टी पर पहुँचेगा और सेम टाइम के बाद पिकॉक जो है इस टी पर पॉइंट पर पहुँचेगा तो हमने बेसिकली यहाँ से कह दिया कि टाइम टेकन बाय पिकॉक टाइम टेकन बाय पिकॉक टू रीच एट पॉइंट टी इज इक्व टू टी सेकेंड टू टाइम टेकन बाय स्नेक टू रीच एट टी इज इक्व टू टी सेकेंड तो दोनों ही आपके क्या हो गए हमने सपोज कर लिया कि टी सेकेंड हो गए फिर इस तरीके से हमने सपोज कर लिया कि पॉइंट कैपिटल टी पर दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे मीट करेंगे तो बेसिकली हुआ क्या यहाँ से देखिए मेरी बात ध्यान से समझिए यहाँ से हमको क्या क्या चीज़ मिली हमें ये टाइम इक्वल मिला और हमें ये टाइम इक्वल मिला ठीक है देखिए ध्यान से यहाँ से कौन कौन सी चीज़ें सेम मिली सबसे पहला तो हमें मिला कि स्पीड ऑफ स्नैक इज इक्वल टू स्पीड ऑफ हमें क्या मिल गया पिकॉक मिल गया और दूसरी चीज हमें मिल गई क्या चीज़ टाइम ऑफ स्नेक इज इक्वस टू टाइम ऑफ पिकॉक मतलब इतना टाइम इनको भी लगा इतना टाइम इनको भी लगा अब इस तरीके से अगर आप देखिए तो दोनों की डिस्टेंस क्या हो जाएगी सेम हो जाएगी एस टी इज इक्वस टू अगर देखिए तो एस टी इज इक्वस टू ये भी क्या हो जाएगा डिस्टेंस इन टू एस टी इज इक्वस टू यहाँ से क्या हो जाएगा स्पीड इन टू टाइम मतलब वी एस इन टू टाइम मीन्स टी एस ठीक है और अगर एस पी फाइंड आउट करिए जितना मतलब जितना डिस्टेंस पिकॉक ने कवर की है तो यहाँ से क्या हो गया यहाँ से अगर हम एस पी इज टू देखिए तो वी पी इज इन टू और डेफिनेटली आप जानते हैं कि दोनों ही चीजें यहाँ से क्या हो रही हैं वी एस इज इक्वस टू वी पी है, है यहाँ से अगर आप देखिए तो वी एस इज इक्वस टू वी पी है और टी एस इज टू यहाँ से टी पी है तो दोनों ही डिस्टेंस यहाँ से क्या हो गई सेम हो गई इसलिए हम क्या कह देंगे कि डेयर फोर एस टी इज इक्वल टू यहाँ से क्या मिल जाएगा टीपी मिल जाएगा एस टी की वैल्यू क्या हो गई टीपी के इक्वल हो गई तो हमने सपोज कर लिया कि लेट एस टी इज इक्वल टू एक्स मीटर एस टी की वैल्यू हमने कंसीडर कर ली कितनी है बच्चों एक्स मीटर है तो पूरा ट्वेंटी सेवन था तो ये पोर्शन कितना बचेगा ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स मीटर बच जाएगा अब बेसिकली आपसे क्या पूछा जा रहा है कि होल से कितने मीटर की डिस्टेंस पे होल से कितने मीटर की डिस्टेंस पे पिकॉक जो है आ, स्नेक को पकड़ेगा ठीक है तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और यहाँ पर आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ कर सकते हैं तो इन ट्राइंगल इसको हमने सपोज कर लिया ये Q पॉइंट है इन ट्राइंगल पी क्यू टी ठीक क्या हो जाएगा पी टी स्क्वायेयर इज इक्वस टू क्यू टी प्लस पी क्यू ठीक है पी क्यू ठीक है पी टी स्क्वायर की वैल्यू बेटा क्या है पी टी स्क्वायर की वैल्यू हमने ये X है तो हमने आपको बोला था कि ये भी पोर्शन आपका क्या हो जाएगा X हो जाएगा क्योंकि पी टी एस इज टू पी टी है ठीक है पीटी स्क्वायर की वैल्यू अगर आप देखिए तो क्या है यहाँ से पी टी स्क्वायर की वैल्यू एक्स स्क्वायर इज टू क्यू टी मीन्स बेटा ट्वेंटी सेवन माइनस एक्स का होल स्क्वायर एंड पी क्यू की वैल्यू आपके पास नाइन स्क्वायर है दिस कैन बी रिटर्न एज अगर आप देखिए तो बेटा आपको मिल जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू यहाँ से अगर हम ट्वेंटी सेवन का या आपको सेवन ट्वेंटी नाइन मिल जाएगा सेवन ट्वेंटी नाइन प्लस एक्स स्क्वायेर माइनस फिफ्टी फोर एक्स प्लस एट्टी वन इज इक्वस टू एट्टी वन यहाँ से हो गया अब ध्यान से सुनिए ये पोर्शन ये पोर्शन आपका कैंसिल आउट हो गया तो बेसिकली आपको यहाँ से क्या मिला माइन फिफ्टी फोर एक्स इज इक्वस टू अगर हम फिफ्टी फोर एक्स को इधर लेकर के आते हैं और इन दोनों को सॉल्व करें बेटा तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे नाइन वन टेन और एट टू टेन ये आपका क्या हो जाएगा ये आपका आई थिंक आपका बन जाएगा ये आपका आई थिंक ये आपका फाइव हंड्रेड शायद एट हंड्रेड आई थिंक एट हंड्रेड यहाँ से आपका ये टेन बन जाएगा ठीक है ये आपका बन गया एट हंड्रेड टेन पूरा बन गया ठीक अब यहाँ से अगर आप x इज इक्वल टू फाइंड आउट करेंगे देन यू विल गेट एट हंड्रेड टेन अपॉन फिफ्टी फोर और इससे अगर हम सॉल्व करेंगे तो उसको सॉल्व करने के बाद आई थिंक हमें मिल जाएगी इसकी वैल्यू फिफ्टीन एक्स की वैल्यू बेटा हमें क्या मिल गई फिफ्टीन ये वैल्यू हमें फ़िफ्टीन मिल गई अब आपसे कौन सी वैल्यू पूछी गई थी आपसे क्यू पूछा गया था आपसे क्यूटी पूछा गया था क्यूटी पूछा गया था मतलब होल से कितने मीटर के डिस्टेंस पे पिकॉक जो है पिकॉक स्नेक को पकड़ेगा

उस पर्सन पी ने जो है मैथ्स में एक्स मार्क्स गेन किए हैं और साइंस में वाई मार्क्स गेन किए हैं तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर बेटा देखिए तो क्या बोला जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि दोनों का सम जो है वो कितना है दोनों का सम आ, कहते हैं द सम ऑफ मार्क्स ऑप्टेन बाई पी इन मैथमेटिक्स एंड साइंस एक्स प्लस वाई इज इक्व टू यहाँ से क्या मिल गया ट्वेंटी एट ये क्वेश्चन नंबर वन मिल गया कहते हैं हैड ही गॉट थ्री मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड फोर मार्क्स लेस इन साइंस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहते हैं कि मैथमेटिक्स के मार्क्स न्यू मार्क्स ऑफ मैथमेटिक्स न्यू मार्क्स अगर देखिए न्यू मार्क्स ऑफ न्यू मार्क्स ऑफ मैथेमेटिक्स मैथ्स में डायरेक्ट लिख दे रही हूँ ऐसे ही कहते हैं हैड ही गॉट थ्री मार्क्स मोर इन मैथेमेटिक्स मैथेमेटिक्स के मार्क्स एक्स थे एक्स प्लस थ्री हो गए एंड न्यू मार्क्स यहाँ पे न्यू मार्क्स ऑफ न्यू मार्क्स ऑफ साइंस साइंस में इन्होंने क्या कर दिया साइंस में इन्होंने फोर मार्क्स लेस कर दिए तो मतलब वाई माइनस फोर तो कहते हैं कि इनका प्रोडक्ट मतलब जो मार्क्स इनको मिले हुए हैं न्यू मार्क्स ऑफ मैथ्स मल्टीप्लाइड बाई न्यू मार्क्स ऑफ साइंस दोनों का प्रोडक्ट बेटा क्या हो जाएगा दोनों का प्रोडक्ट ये कहते हैं वाई माइनस फोर इज इक्वल्स टू वन हंड्रेड एट्टी बेटा कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकती है इट माइट बी पॉसिबल आप चेक कर लीजिएगा मैं कैलकुलेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती अब देखिए ये एक्स प्लस थ्री हो गया बच्चों वाई के प्लेस पे अगर आप देखिए तो ट्वेंटी एट वाई के प्लेस पे अगर आप देखिए तो ट्वेंटी एट माइनस एक्स बन जाएगा ट्वेंटी एट माइनस एक्स माइनस फोर दिस कैन बी रिटर्न एज वन हंड्रेड एट्टी ओके एंड दिस कैन बी रिटन एज एक्स प्लस थ्री ठीक है दिस विल बिकम ट्वेंटी एट माइनस फोर ट्वेंटी फोर माइनस एक्स इज इक्व टू वन हंड्रेड एट्टी ठीक है अब आप क्या करिए मल्टीप्लाई कर दीजिए जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे एक्स इंटू ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर एक्स एक्स इंटू माइनस एक्स माइनस एक्स एंड थ्री इंटू ट्वेंटी फोर यहाँ से क्या हो जाएगा ये आपको मिल जाएगा सेवेंटी टू एंड माइनस थ्री एक्स इज इक्वल टू वन हंड्रेड एट्टी ये मिल गया आपको बेटा अब यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा दिस विल इम्प्लाइज दैट अगर यहाँ से देखिए तो आपको मिलेगा माइनस एक्स स्क्वेयेर ठीक ट्वेंटी फोर में से अगर आप थ्री करें, करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे थ्री एक्स तो आपको मिलेगा ट्वेंटी वन एक्स ठीक है और यहाँ से प्लस सेवेंटी टू माइनस वन हंड्रेड एट्टी इज इक्वस टू तो यहाँ से हो गया जीरो दिस कैन बी रिटर्न एज माइनस एक्स स्क्र प्लस ट्वेंटी वन एक्स ठीक है और अगर आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेफिनेटली यू विल गेट आई थिंक वन माइनस वन हंड्रेड एट मिल जाएगा आपको इज इक्वस टू तो जीरो दिस कैन बी रिटर्न एज एक्स स्क्वेयर माइनस ट्वेंटी वन एक्स एंड माइनस ट्वेंटी वन एक्स प्लस वन जीरो एट इज इक्व टू ज़ीरो ठीक है ये आपको मिल गया अब बेसिकली अगर आप ट्वेल्व की टेबल पढ़िए तो ट्वेल्व की टेबल में आपको इसका जो है सोल्यूशन मिलेगा ट्वेल्व नाइन सा आई थिंक तो यहाँ से अगर देखिए तो एक्स स्क्वायेर माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस नाइन एक्स प्लस वन ज़ीरो एट इज टू जीरो कैलकुलेशन आप चेक कर लीजिएगा इट माइट बी पॉसिबल इफ़ यू विल टेक एक्स फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स माइनस ट्वेल्व एंड इफ़ यू टेक नाइन फ्रॉम हियर यू विल गेट एक्स माइनस ट्वेल्व ठीक है इज टू ज़ीरो सो दिस विल बिकम x minus nine एंड x plus minus twelve is इक्वस to zero so, तो हमारे पास x की दो वैल्यूज़ मिली x is इक्वस to nine और x is इक्वस to twelve ठीक है ये मिल गई अब देखिए ध्यान से मेरी बात सुनिए सपोज़ करिए कि हम x is इक्व to अगर बेटा nine ले, ले लेंगे ठीक अगर x इज इक्वल्स टू नाइन लिया मीन्स तो y इज इक्व टू यहाँ से क्या मिल जाएगा ट्वेंटी एट माइनस नाइन ठीक है तो ये मिल गया वाई इज इक्वस टू आपको कौन सी वैल्यू मिल जाएगी देन यू विल गेट एट्टीन मार्क्स अगर आपके मैथ्स uh, में नाइन मार्क्स हैं तो साइंस में एट्टीन हो जाएंगे ठीक है उसी तरीके से अगर आप देखिए तो अगर आपने यहाँ से x इज इक्व टू बेटा ट्वेल्व लिया तो y इज इक्व टू बेटा यहाँ से क्या मिल जाएगा ट्वेंटी एट माइनस ट्वेल्व अगर आप देखिए तो आपको यहाँ से देन यू विल गेट सिक्सटीन फ्रॉम हीयर ठीक है अब अगर यहाँ से आप ठीक है बेसिकली आपका पोर्शन आंसर हो गया एक्स इज इक्व टू ट्वेल्व एंड वाई इज इक्व टू सिक्सटीन कंसिडर कर रखा है इन्होंने ठीक है सो से ये आपको 19 मिल जाएगा और बेसिकली अगर आप x और वाई x और y अगर दोनों ही दोनों ही x और y को अगर किसी भी इक्वेशन में पुट करते हैं तो ये इक्वेशन सेटिस्फाई करती है तो ये कंडीशन भी फुलफिल कर सकता है और ये कंडीशन भी फुलफिल कर सकता है दोनों ही कंडीशन फुलफिल कर सकती हैं नाउ लेट्स प्रोसीड विद द अनदर क्वेश्चन अनदर क्वेश्चन इज अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल वॉज थ्री मोर दैन द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज रुपीज नाइंटी फाइव द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूज एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल ठीक है तो लेट्स कम टू दल्यूशन बेटा पे आते हैं लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू एक्स ठीक है हमने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल जो है क्या है एक्स है क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या कहा जा रहा है कह रहे हैं क्वेश्चन में इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इच आर्टिकल ठीक है कॉस्ट ऑफ ल यहाँ से हमें मिलने वाला है कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज थ्री मोर देन टाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूज ऑन दैट डे हमने सपोज किया था कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूज होते हैं एक्स ठीक है हमने सपोज कर लिया कि नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड ऑन दैट डे इज इक्वल टू एक्स है तो कहते हैं कि कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल क्या हो जाएगा जितना आर्टिकल था उसका ट्वाइस ट्वाइस कर लिया टू टाइम्स और उससे जो है थ्री मोर तो कॉस्ट ऑफ हमें ईच आर्टिकल मिल गया कहते हैं कि इफ टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे वॉज नाइन्टी रुपीज टोटल कॉस्ट की अगर हम बात करें बेटा तो टोटल कॉस्ट की अगर आप अपनी डेली लाइफ से जोड़ करके बात करिए सपोज करिए कि आपके पास थ्री पेन्स हैं और ईच पेन का कॉस्ट क्या है फाइव रुपीज है तो आप क्या कर देते हैं थ्री इंटू फाइव कर देते हैं एक्जैक्टली exactly उसी तरीके से यहाँ से टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्राइस मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी ठीक अब प्राइस क्या है प्राइज ऑफ ईच आर्टिकल की अगर हम बात करें तो प्राइज ऑफ ईच आर्टिकल इज टू एक्स प्लस थ्री ठीक है और मल्टीप्लाइड बाई विच क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाई क्वांटिटी आपके पास टोटल क्वाटिटी एक्स थी अब टोटल कॉस्ट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल कॉस्ट क्या है टोटल कॉस्ट नाइनटी है तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस कॉस्ट टू एक्स प्लस थ्री मल्टीप्लाइड बाई एक्स कैन बी रिटर्न इज नाइन्टी ये बन गया आपका ठीक है अब यहाँ से क्या करेंगे आप सोल्व करना स्टार्ट करिए माइनस नाइंटी इज इक्वस टू यहाँ से क्या हो गया जीरो हो गया अब इसे हम फैक्टराइज कर देंगे तो दिस विल बिकम टू एक्स स्क्स फिफ्टीन एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स माइनस नाइन्टी इज इक्वस टू जीरो if you will take 2 from here then you will get uh, sorry if you will, if, if you will take x from here you will get 2x plus 15 and if you will take -12 from here then you will get again 2x plus, 2x plus 15 is equals to 0 okay so this will implies that either x minus 12 or 2x plus 15 is equals to beta kya ho zero ho gaya so either x is equals to 12 or टू एक्स एक्स इज इक्व टू माइनस फिफ्टीन अपॉन टू लेकिन कभी भी आर्टिकल जो है वो हाफ और इस तरीके से फ्रैक्शन में नहीं हो सकता तो दैट्स वाई वी विल इग्नोर इट तो बेसिकली हमें क्या मिला कि x इज इक्व टू ट्वेल्व आर्टिकल्स मिल गए ठीक है तो ये आपका हो गया ये क्वेश्चन ठीक है